दोस्तों वेलकम टू रासुटीज यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे संघ एनेलिडा के बारे में। पाइनम एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, इनका प्रमुख लक्षण क्या होता है, इनका आकार कैसे होता है, भोजन कैसे करते हैं, प्रचलन कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से अंग होते हैं तथा कौन से अंगों का क्या कार्य रहता है, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए भी। सबसे पहले हम जानेंगे संघ एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो खंड युक्त कृमि यानी खंड वाले जीव, जिन जीवों के शरीर में कई सारे खंड होते हैं, इस प्रकार के जीव संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रमुख लक्षण के बारे में तो संसार भर में गीली मिट्टी, जल में, स्थलीय और बिलों में रहने वाले परजीवी होते हैं। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव संसार भर में गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थलीय भी होते हैं यानी कि भूमि पर भी रहते हैं और बिल बनाकर भी रहते हैं। अगला लक्षण है शरीर इनका कोमल होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है, कृमि सदृश होता है यानी कि इनके शरीर में जो कृमि होती है वो हमें दिखाई देती है खुली आँखों से, उसके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला लक्षण है शरीर समखंडों में विभाजित होता है, इनका शरीर समान खंडों में विभाजित होता है, देह खंड की संख्या अनिश्चित होती है, इनके देह खंड में जो संख्याएं होती है वो अनिश्चित होती हैं, बहुत सारी होती हैं। देह गुहा तथा अंतरांग समखंडीय विन्यास होते हैं, इनका जो देह गुहा होता है तथा आंतरिक अंग होते हैं यानी कि शरीर के अंदर वाले अंग होते हैं वो समखंडीय विन्यास के अनुसार होते हैं। ये वही जंतु हैं जो कि संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। इनमें जोंक शामिल है, खनखजूर, नीरीस, केचुआ, ये सारे जंतु संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास वीडियो पहुंचे सबसे पहले। अगले लक्षण के बारे में हम बात करें इनके और लक्षण के बारे में तो देह भित्ति मांसल संकुचन तथा महीन होती है। इनमें महीन काइटिन युक्त कुटिकल से स्तरित तथा गमन हेतु सूक्ष्म काइटिन की निर्मित सूक या सीटी होती है। इनमें गमन के लिए छोटी छोटी सीटियां होती हैं जो कि सूक से निर्मित होती हैं। इनका अगला लक्षण है देह भित्ति मांसल होती है। इनकी देह भित्ति कैसी होती है आप देख सकते हैं, मांसल होती है, संकुचनशील तथा महीन काइटिन युक्त क्यूटिकल से स्थरित तथा गमन हेतु इनमें सूक्ष्म काइटिन की निर्मित सूक या सीटी होती है। इनमें गमन के लिए, चलने फिरने के लिए काइटिन की बनी हुई सीटी होती है छोटी छोटी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीटियां होती हैं जिससे कि ये गमन करते हैं, प्रचलन करते हैं। दोनों पेशीय स्तर अनुलंब होते हैं, इनके जो पेशीय स्तर होते हैं वो दोनों के दोनों अनुलंब होते हैं तथा वर्चुअल परतों के रूप में मोटे व स्पष्ट विभेदित रहते हैं तथा वर्चुअल परतों के रूप में मोटे होते हैं तथा स्पष्ट विभेदित रहते हैं यानी कि जाहिर रहते हैं कि कहां से बटे हुए हैं। अगला लक्षण है शरीर इनका त्रिस्तरीय होता है, द्विपार्श्व समित होता है, शरीर समखंड अंगीय स्तर का होता है। इनका शरीर में आप देख सकते हैं सारे के सारे खंड समान रूप से बटे हुए हैं, तो इनका शरीर समखंडों में बटा हुआ रहता है। अगला लक्षण है देह भित्ति व आहार नाल के मध्य स्थित वास्तविक देह गुहा स्थित होती है। इनके देह भित्ति और आहार नाल के बीच में मध्य में स्थित वास्तविक देह गुहा स्थित होती है, अर्थात नली के भीतर नली सदृश सकल संरचना होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नली की तरह रहते हैं तथा इसमें नली के भीतर नली सकल संरचना होती है। अगला लक्षण है उत्सर्जन भ्रूण की एक्टोडर्म से निर्मित सूक्ष्म कुंडलित मेटा उत्सर्जिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जन इनमें कैसे होता है, भ्रूण जो होता है इनका एक्टोडर्म होता है यानी कि बाहरी भाग होता है, उसमें निर्मित होती हैं छोटी छोटी कुंडलित जिनका नाम होता है मेटा उत्सर्जिका, उनके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। ये और देह गुहा में तथा दूसरी और एपिडर्मिस पर छिद्रों में खुलते हैं। ये एक और तो देह गुहा में खुलते हैं यानी कि गुदा में खुलते हैं तथा दूसरी और एपिडर्मिस यानी कि इसके बाहरी परत में भी खुलते हैं जिससे ये उत्सर्जन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र विकसित होता है एवं बंद प्रकार का होता है। विकसित होता है लेकिन बंद प्रकार का होता है, ये कैसे होता है, इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर वाहिनियाँ धमनी
धमनी और सिराएं इसमें होती है। इनमें रुधिर वाहिनियाँ भी होती हैं, धमनियाँ भी होती हैं और सिराएं भी होती हैं और रक्त का बहाव बंद होता है। लेकिन रक्त का बहाव नहीं होता, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का बहाव होता वैसे इसमें नहीं होता है। रक्त का बहाव रुका हुआ रहता है, नालिकाओं में निर्धारित दिशा में होता है। लेकिन कुछ नालिकाएँ होती हैं जिसमें निर्धारित दिशा में होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिश्रित होता है, इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है और प्लाज्मा होता है वो मिश्रित रहता है, आपस में मिश्रित रहता है। तो ये आज आपने जाना संघ एनेलिडा के कुछ जंतुओं के बारे में, तथा आपने ये जाना कि उन जंतुओं में कौन से अंग होते हैं, उनका प्रचलन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, इनके कौन कौन से अंग होते हैं, तथा कौन कौन से जंतु संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं।